श्रीवृंदावन महिमा अमृत प्रथम शतकम श्लोक 27 प्रार्थना सप्तविंशति ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासन्धिभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वेणुं यत्र क्वणयति मुदा नीपमूलावलम्बी क्वणयति क्वणयति नीपमूलावलम्बी नीप व्हाट इज नीप नीप मूल नीप इज द फुट ऑफ अ माउंटेन नीप सिचुएटेड इन द डीप नीप कदंब वृक्ष नीप कदंब वृक्ष के मूल आलंबी ओके नीप मूल आलंबी कदंब वृक्ष लिए है ओके अवलंबी जो मतलब कदम वृक्ष का सहारा लेके खड़े हैं या बैठे हैं ओके तो वेणुम यत्र क्वणयति मुदा नीप मूलावलंबी संवीत श्री कनक वसन शीत कालिंदी तीरे संवीत संवीत अर्थात पहना हुआ क्लॉथ पहना हुआ कनक वसन संवीत जिन्होंने कनक वसन येलो गार्मेंट्स पहने हुए वास वास का एक वास का एक मीनिंग भी होता है ना कि वस्त्र हाँ एक एक जैसे होता है एक्चुअली देखा जाए ना इंटरेस्टिंग अपने टॉपिक उठाया है एक होता है वास जिसको रेजिडेंस बोलते हैं और एक होता है वस्त्र बेसिकली दोनों का रूट एक ही है ढकना आवरण करना वस्त्र से हम शरीर आवरण करते हैं और घर से भी जैसे एक छत होता है शेल्टर होता है एक ढकती है रूट एक ही है तो शीतकालीन तीरे पश्यन ओके पश्यन राधा वदन कमलम कोपि दिव्य किशोर श्याम काम प्रकृति रिह में प्रेम वृंदावनेस्तु बहुत सरल श्लोक है काफी श्लोकों बाद एक सरल श्लोक आया है समझ में आ रहा है तो शीतल श्री यमुना के तीर पर शीतल कालिंदी तीरे तीर हम समझते हैं कदंब वृक्ष के मूल का अवलंबन किए हुए तो अवलंबन मतलब सहारा लेकर वहां खड़े हैं खड़े ही समझ पा रहे हैं बैठे तो नहीं तो जो सहारा लेके वहां पर विराजमान है सुंदर पीतांबर धारी श्री कनक वसन श्याम वर्ण काम प्रकृति विशिष्ट जो श्याम वर्ण के हैं श्याम जो काम प्रकृति विशिष्ट काम प्रकृति इंटरेस्टिंग वर्ड है इवन हिंदी ट्रांसलेशन में इन्होंने इसको कुछ इलेबोरेट नहीं किया उन्होंने as it is रख दिया इसका समास विग्रह काम प्रकृति काम इससे प्रकृति नो 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 हाउ कैन अभी यहाँ काम तो प्रेम से लेना पड़ेगा हम काम अपने जैसे तो नहीं ले सकते प्रकृति होता है नेचर स्वभाव और काम मतलब प्रेम तो जिसका स्वभाव ही प्रेममय है ऐसा हम समझ पा रहे हैं ऐसे श्री भगवान विशिष्ट कोई एक दिव्य किशोर कहा अपि दिव्य किशोर मतलब सीधा नहीं बोल रहे कि वो कृष्ण है इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि कोई एक दिव्य किशोर श्री राधा मुख कमल दर्शन करते करते राधा वदन कमलम पश्यन देखते देखते
तो राधा रानी का तो कोई ऐसे मुख का दर्शन कोई और तो करेगा हाँ वही नहीं। मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे कि कहाँ पे को पे कोई तो है। और करते करते जहां आनंद पूर्वक वेणु बजाता है, बजाते हैं होना चाहिए, बजाता है थोड़ा एक रिस्पेक्ट कम हो जाता है। बजाते हाँ हैं तो यत्र वेणुं कोनायति, मुदा मुदा मतलब ब्लिस, मुदा तो मुदा जो प्रसन्नता पूर्वक जहां पर वेणु बजा रहे हैं। कोणयति मतलब बजाना, इवन हम उसमें भी बजाते हैं ना कोणयंती, सुबह श्रृंगार आरती में, श्रृंगार दर्शन आरती में कोनंतनम वेणु कोणंती कोणयंती कोणंती, उधर भी सेम आता है। उसी श्री वृंदावन में मेरी प्रीति हो, मैं वृंदावने मैं इह वृंदावने प्रेम अस्तु, इस श्री वृंदावन में मेरी प्रीति हो, मेरा प्रेम हो, उत्पन्न हो, या इसके प्रति मेरा अनुराग हो, यह मेरी प्रार्थना है। तैस तैः किं नः परम परमानंद साम्राज्य भोगैः, तैस तैः किं नः नः परम परमानंद साम्राज्य भोगैः। ये वैसा है जैसे अर्जुन, मेरे को अर्जुन का श्लोक याद आ रहा है ये श्लोक पढ़ के, किमनो राज्य न गोविंद, उस तरह का है। किम वा योगैः परम पदकृतैः, किम परैर्वाभियोगैः, वासेन एव प्रसभम अखिलानंद सारातिसारम, प्रसभम अखिल आनंद सारातिसारम। वाओ, वासेन एव, श्री वृंदावन में सिर्फ वास करने मात्र से क्या उत्पन्न होता है, अखिल आनंद सार प्रसव अतिसारम। सभी अखिल संपूर्ण आनंद का जो सार है उसका भी अतिसार है, क्रक्स का भी क्रक्स है। वृंदारण्य मधुर मुरली नादम आकर्ण ईश्य, कि अतीव परमानंद देने वाले उन समस्त साम्राज्य भोगों से हमें क्या, कि तई तई परम परमानंद साम्राज्य भोगई नह किम, कि ऐसे जो परम 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 डबल परम परम आनंद को प्रदान करने वाले जो साम्राज्य के जो भोग पदार्थ हैं, विषय वस्तु हैं, उनसे हमें क्या लेना देना, क्या प्रयोजन है। अथवा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए योग समूह से क्या लाभ, कि योगैः परम पद कृतैः किं वा, ऐसा योग जिससे हमें परम पद प्राप्त हो। यहाँ पे परम पदम मतलब भगवान विष्णु का धाम नहीं है, वैकुंठ नहीं है, यहाँ परम पदम मतलब स्वर्ग आदि धाम। स्वर्ग आदि को धाम बोलना उचित है नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता अभी। पर स्वर्ग आदि नहीं, हाँ एक्चुअली धाम नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो भौतिक सृष्टि के अंतर्गत ही है, तो धाम नहीं बोल सकते, तो स्थान। तो वैसे पता नहीं तो मतलब मतलब धाम जैसे भी वैसे ठीक है। हम बोलते ही ना कि धाम जैसे कि ये भी भौतिक सृष्टि में है लेकिन होकर भी ना होने के बराबर है भौतिक हाँ सृष्टि में। ठीक है, अभी स्वर्ग भी धाम है क्योंकि उपेंद्र भगवान थे वहां। तो हो गया धाम, तो हाँ ठीक वो भी है, है, हाँ वो भी है। हेंस प्रूव्ड। A तो इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू सी, दैट्स आई इज इक्वल तो योगी परम पद कृते कि वहां में ऐसे योग से क्या प्रयोजन क्या लाभ जिससे कि स्वर्ग आदि स्थान धाम प्राप्त हो। किम परैर्वा अभियोगी, अन्यान्य विषयों में अभिनिवेश करने से क्या फल, तो परैर अभियोग, अभियोग मतलब होते हैं एप्लीकेशन, अभियोग मतलब बेसिकली कोई प्रयास प्रयत्न, प्रिजर्वेंस भी है ना। नहीं अभियोग मतलब हो गया उपक्रम, जैसे उपक्रम शब्द होता है ना, कोई कुछ कार्य करना, मेहनत करना, एक्ट ऑफ अंडरटेकिंग, कमेंसमेंट, कोई चीज करना, तो अन्य अन्य इनिशिएटिव्स, लेट्स से इनिशिएटिव्स, एनी कमेंसमेंट्स, एनी वेंचर, लेट्स से, उनसे भी हमें क्या प्रयोजन, अभी हो गई।
क्यों फिर भाई, अगर इन सबसे प्रयोग नहीं है तो किससे हमें प्रयोजन है, क्या है? तो क्योंकि वृंदावन में वास करने से तो निखिल आनंद का परम सार, मुरली मधुर मुरली निनाद हठात कानों में प्रवेश करेगा। तो बोल रहे कि वासे नैव, कि वृंदावन में वास करने मात्र से ही प्रसभम, प्रसभम, ये प्रसभम शब्द गीता में भी आया है, इंद्रियों के विषय में आया कि इंद्रिय बहुत प्रसभम, प्रसम मतलब बलपूर्वक, हठात बलात। बोला। और पीछे भी कुछ हमारा इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ आया था ना वर्ड, इसी में बलात् करके आपने एक बार आया बोला था, था, सेम आया हम था। जब पढ़ रहे थे तो एक कुछ वर्ड था उसमें आई थिंक आया था हठात, हाँ हटा था, आया था कुछ हठात हटा आया था, था। तो यहाँ हाँ हटा प्रसभ था मतलब फोर्सिबली, यू नो, फोर्सिवली, वायलेंटली, लाइक दैट। तो न चाहते हुए भी, तो प्रसभम अखिलानंद सारातिसारम वृंदारण्ये मधुर मुरली नादम। तो बोल रहे हैं कि वृंदावन में वास करने से जो निखिल आनंद, जो संपूर्ण आनंद का जो परम सार स्वरूप है, वो है मधुर मुरली की जो जो निनाद, जो उसकी ध्वनि है, जो स्वर है, वो जब अचानक से सहसा, या लेट से अनायास है ना, विदाउट एनी, कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए, वृंदावन में रहने मात्र से वो कर्णों में प्रवेश करेगी वो ध्वनि, वो शब्द। तो और वो ही परम आनंद का स्वरूप है। अभी यहाँ पर इंटरेस्टिंग बिल्कुल। है कि इन्होंने साम्राज्य भोग और इन सबको परम परम आनंद पहले कह दिया, पर यहाँ पर और ऊपर बोल दिया कि अखिल आनंद सार, और उसका भी अति सार। तो मतलब और उसमें तरतम वाली फीलिंग आ गई, सुपर सुपरलेटिव ना, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री तो बस सुपरलेटिव डिग्री की बात कर दी प्रबोधानंद सरस्वती जी ने। श्री वस्त्राभरणादि कर पदाद्युत्कर्त दाहादि, ओके, श्री वस्त्र आभरण आदि भी कर पदादि उत्कर्त दाहादि भी, उत्कर्त उत्कर्त, ओके, कटिंग, ओके, कटिंग, कृत, उत्कर्ता मतलब कटिंग। हाँ, उत्कर्त मतलब काटना, दाहा मतलब जलाना। इंटरेस्टिंग। निंदा संस्तव कोटिभिर बहुविभूत्य बहु विभूत्यत्यंत दैन्यादि भी, ओके, जीवन्नेव अमृतो यथा न विकृतिम विकृतिम प्राप्तः प्राप्तः कथंचित क्वचित श्री वृंदावनम आश्रये प्रिय महानंदैक कंदम परम। एक कंद, कंद इज कंदमूल बोलते हैं ना, कंदमूल। उत्तम उत्तम वस्त्र भूषण आदि की प्राप्ति में श्री वस्त्र आभरण आदि भी, अथवा कर पदादि के काटे या जलाए जाने पर, कर पद मतलब, कर मतलब हाथ, पद मतलब पैर, कि हाथ या पैर कट जाएं या जल जाएं, या फिर कोटि कोटि निंदा अथवा प्रशंसा होने पर, निंदा संस्तव कोटि भी, एवं बहु संपत्ति किंवा दीनता प्राप्त होने पर, कि बहु विभूति मतलब बहुत अमीर, या अत्यंत दैन्य बहुत गरीब या दीन अवस्था को प्राप्त होने पर भी, जीवन मृत की तरह कहीं कभी भी किसी प्रकार से विकार को प्राप्त न होकर, तो ऐसी स्थितियों में क्या बोल रहे हैं कि जीवन एवं जीते हुए भी मृतो यथा न विकृतिम प्राप्त कथंचित क्वचित, कभी भी, क्वचित कथंचित मतलब कैसे भी, जीते हुए, जैसे एक मरे हुए व्यक्ति को इन सभी द्वंद्वों से कोई विकार नहीं आता, मरे हुए व्यक्ति के लिए उसका हाथ पैर कटे हों, जले हों, नहीं कटे हों, नहीं जले हों, कोई व्यक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो वही बोल रहे हैं प्रबोधन सरस्वती जी, जो कि बहुत उच्च स्तर की बात है, कि जीते हुए भी वाइल लिविंग इवन, मैं उस मैं एक मरे हुए व्यक्ति की तरह इन द्वंद्वों से कभी भी मुझे कोई विकार प्राप्त नहीं हो। क्वचित मतलब कभी भी, कथंचित मतलब कैसे भी। और श्री वृंदावनम आश्रय प्रिय प्रिय महानंद एक कंदम परम, और फिर ऐसा होते हुए क्या, परम प्रिय महानंद बीज स्वरूप इस श्री वृंदावन का आश्रय करता रहूं। और ऐसी स्थिति में इन द्वंद्वों के की उपस्थिति में इनसे अनअफेक्टेड, हाउ वुड यू से अनअफेक्टेड इन हिंदी, इनसे इनके प्रति उदासीन भाव रखते हुए, और श्री वृंदावन धाम जो कि परम प्रिय महानंद बीज स्वरूप, जो महा आनंद का जो बीज स्वरूप है, ऐसे श्री वृंदावन का मैं आश्रय करता रहूं। ये एक प्रार्थना है आश्रय, या एक रेजोल्यूशन है, डिटर्मिनेशन है आश्रय। दुखान्ये वसुखान्ये, ये विभूति मतलब ऐश्वर्य होता है ना, विभूति जैसे भगवान का विभूति योग बोला जाता है। दुखान्ये वसुखान्ये विद्य पयशो, विद्धि विद्धि जानी जानी ही कीर्तिं पराम, मन्ये था अधमैश्च दुष्परिभवान् सम्मानवत् सत्तमैः। दैन्यान्येव महाविभूतिमतिस्लाभान् लाभान् सदा, ओ कृष्ण मति सल्लाभान लाभान, ओके लाभान, ओके मति सत लाभान अलाभान, ओके महाविभूति अति सत, अति सत सत लाभान सद लाभान, ओके पापान्येव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावन जीवनम, यदि श्री वृंदावन में तेरा जीवन हो तेरा जीवन हो तो यदि श्री वृंदावन में तेरा जीवन हो तो दुखों को तू सुख समूह जान। ओके थोड़ा ट्रांसलेशन थोड़ा तो पढ़ने में पर ठीक है। अपयश को परमा कीर्तिमान, तो यहां बोल रहे हैं कि यदि वृंदावनम ते जीवनम, यदि वृंदावन आप अपना जीवन समझते हैं कि वृंदावन इज माई लाइफ लाइक दैट, तो क्या करो, दुखानी एवं सुखानी, आई विल से दुखानी एवं सुखानी वत, एवं बोले तो वत नहीं लगाना चाहिए, कि दुखानी एवं सुखानी विधि, कि आप दुख को ही सुख मानो। अब इसमें ये नहीं बोला कि दुख को कंसिडर करो सुख की तरह, नहीं, दुख ही सुख है। एक देखो संस्कृत में दो चीज होती है, एक होता है इव, एक होता है एव, और एवा। एक मिनट दिखाता हूँ आपको, कृष्णा एक मिनट, ये आज कुछ छोटे बच्चों का एग्जाम लिया था संस्कृत में तो एक क्वेश्चन पेपर है तो देखो एक होता है इवा और एक होता है एवा। अभी इवा एवा में क्या अंतर है, इवा होता है लाइक लाइक मतलब ऐसा, हाँ ऐसा, वैसा है नहीं पर एक कंपैरिजन है, सिमिलैरिटी जैसे ऐसा, हाँ ऐसा। एवा मतलब होता है वैसा ही, तो जैसे मैं बोलूँ लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे भगवान का नाम है घन श्याम, अभी घन श्याम का अर्थ हो गया कि घन इव श्याम, कि जो बादलों जैसे सावले हैं। अभी वो बादल लेकिन वो बादल नहीं है, हाँ बादल नहीं है,
लेकिन बादल जैसे कंपैरिजन, मतलब इवा कंपैरिजन है। कंपैरिजन के लिए। हाँ ये हो गया इवा का प्रयोग। अभी मान लीजिए मैं बोलूं कृष्ण कृष्ण, मैं जस्ट एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, कृष्ण एव राधा, कृष्ण ही राधा है। अभी मतलब ये कंपैरिजन नहीं, एक कंपैरिजन नहीं है, कृष्ण या ही फिर राधा कंपैरिजन है, और कोई, है और इसमें राधा है तो उसमें कुछ फिलोसफिकली भी गलत नहीं है, फिलॉसफी गलत नहीं है। हाँ एक ही है, एक तनु। तो यहाँ मतलब कृष्ण एव राधा नहीं है, कृष्ण राधा की तरह, ऐसा नहीं, कृष्ण एव राधा या राधा एव कृष्ण। इंटरेस्टिंग। तो वह वही यहाँ बोल रहे हैं कि दुखानी एव, इव नहीं बोला, कि दुख को ही सुख मानो, दुख को सुख की तरह मानो, ऐसा नहीं। तो फिर ये दुखान्य एव एव ओ, इसका और इव नहीं ब्रेकडाउन बोला संधि एव। विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा, दुखानी एव, तो इसका वो बन जाता है दुखानी एव, वो संधि के नियम मतलब में। नी और नी की मात्रा निकलती है वो और ई की अगर मात्रा ए जो एव है होती तो है, जो ई की मात्रा होती है वो आपकी य बन जाती है, और फिर ये जुड़ के दुखान नियम हो जाता है संधि। तो यही बोल रहे हैं कि वो थोड़ा दुख, संधि हाँ वो संधि का हो गया, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि दुख को सुख की तरह मानो, ऐसा नहीं, दुख को सुख ही मानो। अगर आपको, आप वृंदावन आपका जीवन है, तो फिर आगे बोल रहे हैं कि अपयश को परमा कीर्ति मानो, कि आपका जो कोई भी अपयश हो, अनादर हो, उसको आप क्या समझो कि आपकी क्या पद बोल। कीर्ति है, आपका यश गान हो रहा है। फिर अधम पुरुषों के द्वारा अत्यंत अपमानित होने पर भी उसे तुम साधु पुरुषों के द्वारा किए हुए सम्मानवत जानो, कि अधमैश्च दुष्परिभवान, दुष्परिभवान अर्थात कटु वाक्य ये दुष्परिभव, दुष्परिभव कृष्ण, ये आपने कहां से और बोल उसके संग लिखा हुआ है, नहीं, मैं दुष्परिभव, दुष्परिभव। ओके लेट्स सी, परिभव फर्स्ट ऑफ ऑल, परिभव, हाँ परिभव मीन्स ह्यूमिलिएशन, डिसग्रेस। तो जो अधम व्यक्तियों के द्वारा जो ह्यूमिलिएशन है, व्हाट वुड बी ह्यूमिलिएशन इन हिंदी, अपमान है, अवमानना है, परिहास 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 परिहास। तो एक्चुअली फिर भी थोड़ा सा लाइटर रहता है, ह्यूमिलिएशन इज मच हैवियर। तो ऐसे वही फिर वो वही डिग्री में फिर आता है ऐसे डिग्री वाला। अवमानना, अवमानना को, दुष्परिभव को आप क्या सच समझो, कि सत्तमयी ही सम्मानवत, मानो कि सत्तम जो साधु जन है उनके द्वारा आपका सम्मान हो रहा है, मान्यता, ऐसा मानो। फिर आगे बोल रहे हैं, दरिद्रता राशि को महाविभूति स्वरूप मानो, कि दैन्यानि एव महाविभूति, विभूति हाँ, कि जो आपकी दैन्यता है, गरीब दीन अवस्था है, उसको आप समझो कि मैं बहुत धनवान हूं, अगर वृंदावन आपका जीवन है तो। फिर अति उत्तम माइक लाभों की महाक्षति स्वरूप एवं पाप समूह को पुण्य रूप प्रतीत करो। फिर आगे वो आगे बोल रहे हैं, इसका संधि विच्छेद, महाविभूतिम अति अति सत लाभान अलाभान सदा, अति उत्तम लाभों की महाक्षति, अति सत लाभान अलाभान सदा, अति सत लाभान लाभान, इसका ब्रेकडाउन थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है, बट एनी हाउ यहाँ कह रहे हैं कि जो जो हमें लाभ होते हैं उनमें जो क्षति होती है, बेसिकली जो हमारी हानि होती है, हानि को लाभ की तरह समझो, और पाप जितने भी हैं, पाप समूह, उनको पुण्य के रूप में देखो।
यदि वृंदावन आपका जीवन है तो ये कुछ मुझे हजम नहीं वाला इसका मतलब। अगर तो पाप को कैसे, मतलब दुख को तो ठीक है, दुख हम सुख समझ सकते हैं, लेकिन पाप को मतलब रीजन क्या हो सकता है मतलब। कई सारी अंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं इसमें। अगर पर्सनली जितना मुझे समझ में आता है, एक तो अपने कंटेक्स्ट में है, एक दूसरों के कंटेक्स्ट में। अपने कंटेक्स्ट में मैं हाँ, ये लेकिन अब मुझे एक लग रहा है क्योंकि जो दुख दुख हम जो झेलते हैं जीवन में, या उसका परिणाम होता है, उसका परिणाम क्या होता है कि जीवन में दुख होता है, मतलब पाप की अगर दूसरी व्याख्या की तो दुख भोगना है। दुख तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दुख जो आप सह रहे हो वो आपके पाप के वजह से है, तो उसको ही आप क्या करो कि उसको पुण्य मानो, मतलब इन द सेंस मुझे हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है। वो भी सही बात है, वो भी आपने बहुत सही बताया। ठीक है, तो पापानि पुण्यमस्ति, कि पाप ही पुण्य है। हाँ, अदरवाइज हम ये अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं पाप करूंगा और उसको मैं पुण्य समझूंगा पुण्य समझा तो वो तो तो उचित नहीं होगा। तो उचित नहीं है। हाँ, कि मैं क्योंकि पाप बाकी सब एडवर्स सिचुएशंस हैं, उसको हम क्या है कि यार जितने भी एडवर्स सिचुएशन है उसको वो बोल रहे हैं कि उसको मतलब क्या बोलते हैं, गुड सिचुएशन में या फॉर्चून, उसको फॉर्चून समझ लो, लेकिन पुण्य कर रहा है वो एडवर्स, इन द सेंस एक एडवर्स है लेकिन उसको उसका रिवर्स नहीं है ना शास्त्र के हिसाब जी, तो ये है। से। तो पापानि एव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनं जीवनम्। ये है तो ठीक है, 30 तक हो गया, फिर जी 30 तक हो गए कल करते हैं कंटिन्यू बाकी। जी।